यह समय खासकर चुनौतीपूर्ण है ऐसे समय का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए आध्यात्मिकता क्या भूमिका निभा सकती है ओ, हर पीढ़ी यही सोचती है कि उनका समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण और उन्हें परखने वाला समय है हर पीढ़ी यही सोचती है ठीक है उस बात को छोड़ दें तो आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या भूमिका निभा सकती है यह कुछ ऐसा है अगर आप कुछ भी अच्छी तरह करना चाहते हैं मान लीजिए कि आप अच्छे से ड्राइव करना चाहते हैं तो आप आप अपनी कार को जितना अच्छे से जानते हैं उतना ही बेहतर आप उसे चला पाएंगे क्या ऐसा है हाँ क्या ऐसा है तब यह आपके लिए भी लागू होता है द बेटर यू नो दिस वन The you can deal with it. जितना बेहतर आप इसे जानते हैं उतना बेहतर आप इसे संभाल सकते हैं उतना ही बेहतर आप इस जीवन की प्रक्रिया को चला सकते हैं बस इसे सतही तौर पर जानकर आप बहुत अच्छा नहीं चला पाएंगे अगर आपको बस अपने ऑफिस जाना है तो शायद आपको बस यही जानना होगा कि स्टेयरिंग व्हील कहाँ है और दो या तीन पेडल कहाँ है लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूला वन ट्रैक पर चलाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपको सब कुछ पता हो उस कार के चलाने की और काम करने की हर चीज पता हो है ना तो अगर आप फास्ट ट्रैक पर चलना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में काफी ज्यादा जानने की जरूरत है अगर आप बस किसी तरह जिंदा रहकर चले जाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मेरा मानना है कि जब आप खुद को उदयमी कहते हैं तो आप फास्ट ट्रैक पर होने की योजना बना रहे हैं अगर आप फास्ट ट्रैक पर होना चाहते हैं तो इसकी ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आप नहीं जानते आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे चलाना है जब मैं सबसे अच्छा कहता हूं देखिए अभी अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं और यहां खड़ा रहूं और कोई इस हॉल में आता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस हॉल में कैसा इंसान आया है इसके साथ अपने ऑफिस में आप अच्छा कर सकेंगे है ना या ना आपके ऑफिस में कोई अंदर आया अगर आप बस उसे देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि आपके ऑफिस में कौन आया है क्या यह एक बड़ी बात होगी ओ मुझे क्या करना होगा मुझे कौन सा महान योग करना चाहिए नहीं ये एक योगी का गुण नहीं है आपका कुत्ता भी ये जानता है आया ना? आपका कुत्ता सोफे के नीचे बैठा है सामने दरवाजे पर कोई आया वो जानता है वो जान जाता है कि कौन आया है हा या ना ऐसा क्यों है कि आप चूक जा रहे हैं मैं पूछ रहा हूं आप इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है अगर आप इसे ठीक से संभालना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि इंसानी बोध ऐसा है कि आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जीवन में आप जिस तनाव और बकवास से गुजर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी पर्याप्त खोज नहीं की गई है तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब ऊपर देखना या नीचे देखना नहीं है इसका मतलब है भीतर की ओर देखना क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही कुशलता से और उतना ही सफलता से आप इसे चला पाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या डिग्रियां हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने सिर में क्या जानकारी इकट्ठा कर रखी है मूल रूप से आपकी सफलता इससे तय होती है कि ये अभी कैसे हैं, आया ना और हाउ टू इसे कैसे सतर्कता और संतुलन उल्लास और संभाव के उच्चतम संभव स्तर पर रखा जाए अगर आप यह नहीं जानते हैं, तो आप सिर्फ संयोग से ही सफल होंगे और अगर आप सफल होते भी हैं तो वैसे भी आप सफलता को भुगतेंगे आप उसका आनंद नहीं लेंगे